ऑल राइट, सक्सेसफुली रिकॉर्डिंग हैव स्टार्टेड एंड होपफुली कोई भी यहाँ से क्लास के बाहर नहीं निकल रहा. ठीक है, चलिए. सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर विद यू एंड यू शुड बी एबल टू सी द स्लाइड्स इन अ मैटर ऑफ मिनट्स. ऑल राइट, तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है, नॉर्मल क्वेश्चन. क्या आप सबको यहाँ पे मेरी स्लाइड्स दिख रही है? So let's talk about my natural resources and their management of resources. So let's talk about the management and the natural resources. Management of natural resources हम बात करते हैं. तो आज के इस टॉपिक में जो इनिशियल टॉपिक है वहां पर हम बात करते हैं हमारे लॉज ऑफ रेगुलेशन को लेकर, हम थोड़ा बहुत यहाँ पे बात करेंगे. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. सम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक योर सॉइल, एयर, वाटर एंड वेरियस कंपोनेंट आर साइकल्ड ओवर एंड ओवर अगेन इन नेचर. सो जनरली आपका एयर, वाटर और सॉइल आपका जनरली आपका लाइक बनता रहता है और साइकिल आपका होता रहता है. ठीक है, याद रखिएगा कि जब भी आप बात करते हो सॉइल की, तो सॉइल बेसिकली बनाया जाता है बिकॉज ऑफ द वेदरिंग ऑफ रॉक्स. सॉइल के अगर आपसे पूछे कि सॉइल बनता कैसा है, सिर्फ समन आस्क यू क्या सॉइल कैसे बनता है, सिर्फ समन आस्क यू क्या हाउ द सॉइल इज गेटिंग फॉर्म्ड. सो इट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द वेदरिंग ऑफ रॉक. तो समझो ये आपका रॉक है, समझो आपका ये रॉक है. सो रॉक के साथ क्या होगा कि लाइक हर साल यू गेट टू सी रॉक हैज टू अंडरगो लाइक विंड, इसके ऊपर लाइक अफेक्ट करेगा इसे, विंड विल हैव इंपैक्ट ऑन द रॉक, वाटर विल हैव इंपैक्ट ऑन द रॉक. तो उसे कहता है आपका रॉक टूटता रहता है, और रॉक जब टूटने लगता है तो उसमें से आपका सॉइल बनता है. सो बेसिकली सॉइल इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द वेदरिंग ऑफ रॉक. वेदरिंग ऑफ रॉक. अब आप बोलोगे कि सर ये वेदरिंग ऑफ रॉक क्या है, तो याद रखना वेदरिंग ऑफ रॉक का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका रॉक जो होता है ये काफी चीजों से लाइक गुजरता है. मतलब इट विल अंडरगो द रेनफॉल, अंडरगो द सनलाइट, विंड, और उसके वजह से रॉक टूटता है और उसमें से ही आपका फिर सॉइल बनता है. याद रखना सॉइल बनने के लिए बहुत साल लग जाते हैं. ठीक है, सो इट टेक्स सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू फॉर्म द सॉइल, एकदम से नहीं बनता. तो ये बात भी आप कहीं ना कहीं दिमाग में याद रखना. So weathering of rocks will make you the soil. ठीक है, now ये देखते हैं. You have a soil, you have your air and you have your water. Now there are international laws and regulation and then there are their own national laws and act of environmental protection. तो कई सारे आपके international laws होते हैं जो आपके nature को, environment को protect करते हैं. कई सारे आपके national laws होते हैं जो आपके country के रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट करते हैं और आपके एनवायरमेंट को बचाते हैं. ठीक है, आप में से कोई मुझे एग्जांपल देना चाहेगा ऐसे कोई लॉ का जिसके बारे में आप जानते हो? एनीवन हैज एनी इंफॉर्मेशन अबाउट एनी काइंड ऑफ लॉ? एनीवन? नो वन? ठीक है, मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ जो आपने शायद सुना भी होगा. राइट, सो फॉर एग्जांपल यू हैव सम कुछ बड़े बड़े एनजीओज होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव एनजीओ लाइक WWF एनजीओ आपने सुना होगा. वर्ल्ड वाइड फंड, आपने शायद इसका लोगो देखा होगा. इसका लोगो होता है आपका एक पांडा बना हुआ था इनके लोगो के ऊपर. ये बेसिकली जो आपके यहाँ पे आपका जो एनजीओ है ना, ये जो WWF है, ये इंटरनेशनल एनजीओ है और ये आपका काम करता है, ये लाइक दे वर्क इन द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, दे वर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स. सुना है इसके बारे में आपने? किसी ने सुना? ठीक है, सो दे वर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स और आई वुड से वाइल्ड एनिमल्स. सो वाइल्ड एनिमल्स को बचाने के लिए लोग काम करते हैं. कभी आप सर्च करना बाद में लेक्चर के बाद. So, WWF क्या करता है, वाइल्ड एनिमल्स जो आपके होते हैं उनको कंजर्व करने के लिए लोग अपना काम करते हैं, दे प्रोटेक्ट देम. तो ये लोग क्या करते हैं, दे इवन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लॉज. ये उन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे इंटरनेशनल लॉज बनाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ एनिमल्स के बारे में सुना होगा, जैसे एक एनिमल होता है आपका पांडा ही ले लो. पांडा आप सबने देखा है राइट, इन द टीवी आपने कभी कभी पांडा को देखा होगा, व्हाइट एंड ब्लैक कलर का एनिमल होता है. फिर जैसे क्या हो गया, राइनोसेरस. तो ये जो मेरे यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स एनिमल्स के, इनको इंटरनेशनली प्रोटेक्शन मिलता है.
इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मिलने का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये एनिमल्स को आप कोई भी इन एनिमल्स को आप मार नहीं सकते इंटरनेशनल लेवल पे, ना ही इनको आप बेच सकते हो, ना ही इनके बॉडी पार्ट्स को आप बेच सकते हो। तो ऐसे लॉज बनाने के लिए आपके कई सारे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे इंटरनेशनल लॉज बनाए जाते हैं और उनके थ्रू आप इनको प्रोटेक्ट कर पाते हो, अलॉन्ग बिकॉज ऑफ देम यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट दिस काइंड ऑफ एनिमल्स। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, एक और एग्जाम्पल देता हूँ नेशनल लॉ का। आप मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों ने कभी पेट शॉप देखा है कभी? यस सर। ठीक है चलो, कुछ किसी ने देखा, राइट? आई होप आपने कभी ना कभी अपने घर के आसपास या कहीं पे आपने पेट शॉप देखा होगा। तो अगर आप पेट शॉप कभी अगर विजिट करते हो ना, तो वहां पे आपको बर्ड्स मिलते हैं, काफी अलग अलग कलरफुल आपको बर्ड्स मिलेंगे। बट कभी आप नोटिस करना, अगर आप पेट शॉप जाते हो कोई, तो आपको काफी सारे कलरफुल बर्ड्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। बट आप कभी नोटिस करना, पेट शॉप में कभी भी नेटिव बर्ड्स नहीं होते। मैं बता दूं इसका मतलब क्या होता है। Native birds are not seen। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपके जो लोकल बर्ड्स होते हैं ना, जैसे आपका ग्रीन कलर का पैरट जो आपके घर के आसपास घूम रहा होता है, वो तो आपने देखा होगा सबने, ग्रीन कलर का पैरट वो आपके घर के आसपास। देन आपकी जो अलग अलग कलरफुल बर्ड्स होती है, पता है हिमाचल में एक बर्ड मिलता है जिसकी टेल काफी लंबी होती है, ब्लू कलर का बर्ड होता है और उसकी टेल काफी एकदम से लंबी होती है, राइट? सो वो एक बर्ड हो गया। तो ये जितने भी बर्ड्स होते हैं, ये सारे लोकल बर्ड्स होते हैं, उनको हम नेटिव कहते हैं, जो आपके यहाँ के ही है, वो बाहर के नहीं, वो यहाँ के ही है। तो उन बर्ड्स को आप कभी भी नहीं देखोगे कि कोई पेट शॉप वाला बेच रहा होगा। आपको भी नोटिस करना, पेट शॉप पे अगर पैरेट, क्या बेटा सर पैरेट देखा है सर बेचते हुए, ग्रीन कलर का पैरेट? यस सर। तो वो एक्चुअली इलीगल है, अगर वो बेच रहा है तो दैट इज एक्चुअली इलीगल, दैट इज नॉट अलाउड। तो एज पर द लॉ आप नेटिव बर्ड्स को आप बेच नहीं सकते, नेटिव बर्ड्स को आप कभी भी बेच नहीं सकते एज पर द लॉ। सो आपका नेशनल लॉ है, उस लॉ को हम बोलते हैं आप एज अ WPA, WPA स्टैंड फॉर योर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो अगर वो ओपनली पेट शॉप खोल के अगर बेच रहा है बेटा, आप नोटिस करना उसका सेम है, कुछ शॉप है या वैसे लाइक कहीं पे कोने पे बैठ के वो बेच रहा होता है, व्हाट ही इज डूइंग एक्चुअली? सर ऐसे बेचता है। हाँ ऐसे ही बेच रहा है ना, तो वो लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? लेकिन आप ऐसे दुकान खोल के नहीं बेच सकते, मतलब दुकान खोलने के लिए आपको एक तो आपको कई सारे डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं, और उसमें अगर वैसा कोई कर रहा है तो उसके लिए तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। हाँ ऐसे ही बेचने के लिए तो लाइक वो लोकल लोग तो वैसे बेच लेते बेटा, वो अलग बात होती है। लेकिन ये बात आप याद रखना कि एक लॉ होता है जिसे हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस एक्ट के हिसाब से जो भी आपके जो नेटिव बर्ड्स या एनिमल्स होते हैं, उनको आप एज अ पेट नहीं रख सकते, उनको आप एज अ पेट आप रख नहीं सकते। तो इसलिए आपको भी नोटिस करना, इसलिए पेट शॉप वाले ठीक है, लोकल वाले नहीं, जैसे रोड पे बैठ के बेच रहे थे वो लोग नहीं, पेट शॉप वाले कभी भी नेटिव बर्ड्स आपको बेचेंगे नहीं, ठीक है? इसलिए कभी आप ये भी नोटिस करना कि इंडिया में कभी आपको ये सुनने के लिए नहीं मिलता कि किसी ने लायन पाल के रखा हुआ है, किसी ने क्रोकोडाइल पाल के रखा हुआ है, ऐसा आपको कभी सुनने के लिए आपको नहीं मिलेगा। हाँ बाहर की कंट्री में अगर आप चले जाते हो ना, तो वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, जैसे हमारी एक नेबरिंग कंट्री है, राइट जस्ट क्लोजर टू अस, सो दैट नेबरिंग कंट्री के अंदर कोई लॉज वॉज नहीं होते वाइल्ड एनिमल्स को लेके, कोई कुछ भी पाल सकता है वहां पे। तो उसके वजह से नुकसान क्या होता है, वाइल्ड पॉपुलेशन जो होती है वो कम होने लगती है, राइट? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे आपके लॉज होते हैं, और ये लॉज उस एरिया के एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को करते हैं वो लोग प्रोटेक्ट। तो मैंने आपको जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दिया, एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आप कोई भी लोकल बर्ड या लोकल एनिमल अपने घर पे आप पाल के रख नहीं सकते, ठीक है? इवन समझो अगर आपको बंदर पसंद आ गया, आपने कहा कि मुझे पालना है, आप नहीं पाल सकते, इट इज नॉट एक्चुअली एज पर द लॉ यू कैन नॉट कीप देम एज अ पेट, ठीक है? तो ये आपको एक मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, मैं आपको आइडिया भी इस तरीके से दे रहा हूँ जो आप लाइक अंडरस्टैंड कर पाओ या आप समझ पाओ, राइट? यहाँ तक समझ आ रहा है आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू? एग्जाम्पल को ब्रेक डाउन करके आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट, सो प्लीज लेट मी नो अगर कोई समझ में आ रही हो। Okay, so that is something we have seen over here. So there are national and international organizations working towards protection of our environment.
कई सारी इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही है, राइट? अर्थ एक्सप्लॉयटेशन एंड सर्वाइवल. तो चलिए इसके अंदर देखिए क्या आता है. अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय अनथिंकली एक्सप्लॉयटेशन आवर रिसोर्सेज हैज बीन फेयरली रिसेंट फिनोमेना इन आवर सोसाइटी. अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ. देखिए आपके जो रिसोर्सेज है ना, आपके नेचर में जो रिसोर्सेज है उनको कई बार ह्यूमन बींग्स हद से ज्यादा यूज करते हैं, और जब आप उन रिसोर्सेज को हद से ज्यादा यूज करते हो उसे हम कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन. उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ एक्सप्लॉयटेशन. और आज की डेट में एक्सप्लॉयटेशन आपके रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा हो रहा है नेचर के अंदर, लाइक फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन या कोई दूसरे लाइक कोई ना कोई रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हद से ज्यादा यूज करना आपको काफी ज्यादा देखने के लिए आपको मिल जाता है, राइट? एंड ये एक बड़ा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है नेचर के ऊपर. सो मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल दूंगा. पहले मुझे ये बताओ कि एक्सप्लॉयटेशन का मतलब यहाँ पे कुछ समझ आ रहा है? Yes, sir. अरे नहीं आए तो बता देना, कोई भी अगर चीज समझना है तो बता देना. हाँ जी सौरभ बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए. ओके करना ही है कोई भी. हाँ आपका हैंड रेज हुआ था इसलिए. तो एक्सप्लॉयटेशन, अच्छा किसी भूमिका आपका क्वेश्चन है, बताइए बेटा भूमिका क्या क्वेश्चन है आपका. सर एक्सप्लॉयटेशन को एक्सप्लेन करना. हाँ एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है किसी चीज को हद से ज्यादा यूज करना, राइट? या किसी रिसोर्सेज को हद से ज्यादा यूज करना, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास लाइक लेट्स से आपके पास 400 एकड़ ऑफ फॉरेस्ट है, राइट? आपको हर साल यूज करना चाहिए अराउंड, इसमें से 20 एकड़ आप कट कर सकते हो. लेकिन अगर आप वहां से निकाल रहे हो, हर साल आप निकाल रहे हो अराउंड 60 एकड़ 80 एकड़ अगर आप कट कर रहे हो, तो आप हद से ज्यादा यूज कर, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा आप उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है? तो आपको मैं यहाँ पे ना एक चीज समझाता हूँ. जैसे आप यहाँ पे फॉरेस्ट को कट करेंगे, यहाँ पे एक पिक्चर बना के रखा हुआ है, एंड वंस दिस ऑर्डिनेंस अराइजेस सम एक्शन यूजुअली इज टेकन. तो देखो आप यहाँ पे फॉरेस्ट को हद से ज्यादा आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, जितना यूज करेंगे उससे आप ज्यादा उसे यूज कर रहे हो, कट कर रहे हो. सो दैट इज माय एक्सप्लॉयटेशन, या हम उसे बोल सकते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन, राइट? नाउ लेट मी ट्राई टू गिव यू द बेटर एग्जांपल ओवर हियर. लेट मी गिव यू वन अ वेरी गुड रियल एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ. ध्यान से सब लोग सुनेगा यहाँ पे एग्जांपल को. देखें यहाँ पे क्या होता है. सी फॉर एग्जाम्पल हर साल आपकी फिशिंग की जाती है, ठीक है? ये स्टोरी है, ये रियल स्टोरी है जो इंडिया में होती है या इंडिया के कोस्ट लाइन में होती है, उसे ध्यान से सुनना. सो होता क्या ना कि इंडिया को कोस्ट लाइन होता है ना, कोस्ट लाइन मतलब आपका समुद्री तट का इलाका, जो आपका जो कोस्ट लाइन होता है जहां पे आपका ओशन होता है, वहां पे आप करते हो फिशिंग, वहां पे हर साल आपकी फिशिंग होती है. अब जब फिशिंग होती है तो क्या होता है, बड़ी बड़ी बोट्स होती है, वो पानी में जाती है और फिश को पकड़ के लेके आती है. सो दैट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, वो काफी सालों से हो रहा है और अभी भी होता है, राइट? अब जनरली बेटा पता है क्या होता है, एक रूल होता है, एक गवर्नमेंट का रूल है. गवर्नमेंट का रूल ये है कि आप मॉनसून के महीने में आप फिशिंग नहीं करोगे. तो एक टाइम होता है जब जनरली फिशिंग अलाउ नहीं की जाती, आप पूरे साल कर सकते हो, बट मॉनसून का एक महीना होता है, एक टाइम पीरियड होता है, लेट्स से जुलाई से लेके अक्टूबर तक जनरली आपकी फिशिंग अलाउड नहीं की जाती. सो दैट इज द टाइम व्हेन द फिशिंग इज नॉट अलाउड. सो नो फिशिंग इज बीन अलाउड, नॉट अलाउड. अब मैं बताता हूं कि यार ये अलाउड क्यों नहीं होता, व्हाई दिस इज नॉट अलाउड, ये हम समझते हैं यहाँ पे. ये टाइम पे जनरली होता क्या है कि फिशेज अपने बेबीज ले करती है, अपने एग ले करती है. एग ले करने के बाद क्या होता है कि वो बेबीज आपके निकलते हैं, राइट? बेबीज आपके ग्रो करते हैं. तो ये टाइम पे आप चाहते हो कि आपकी जितना भी पॉपुलेशन है फिश का वो वापस से रीग्रो करे. आप मेरी बात आई होप सब लोग समझ रहे हो कि ये टाइम पे आपने रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगा के रखे हुए ताकि आप चाहते हो कि आपकी जो फिश की पॉपुलेशन है वो अपने आप को बढ़ाती रहे वहां पे वो टाइम के अंदर, ताकि हर साल आपको एक अच्छा सा लाइक आपको कैच मिल सके, राइट? यू हैव टू अलाउ देम टू ग्रो, ऑब्वियसली यू हैव टू अलाउ देम टू ग्रो, यू हैव टू अलाउ देम टू इंक्रीज देयर नंबर, ठीक है? अब लेकिन यहाँ पे दिक्कत पता है क्या आती है, काफी सारे लोग इस महीने के अंदर भी फिशिंग करते हैं, राइट? सो अगर आप इस महीने के अंदर फिशिंग कर रहे हो तो आप मुझे बताइए उससे क्या दिक्कत आ सकती है अगर आप इस महीने में जाके फिशिंग करोगे तो. सोचिए और बताइए मुझे.
अगर आप जिस अलाउनी क्या था, अगर वहां पे अगर आप जाके वो टाइम पे भी अगर आप जाके फिशिंग करोगे तो उससे क्या होगा सर, जो फिशेस को ग्रो करने का टाइम नहीं मिलेगा और सर फिर मतलब ज्यादा फिशेस नहीं हो पाएंगे। एग्जैक्टली अगली जनरेशन बनी नहीं पाएगी तुम्हारी, अगली जनरेशन तुम्हारी बनी नहीं पाएगी। अब तुमने अगर ये मंथ में जाके तुमने फिशिंग किया तो जो फिशेस बेबी से बड़ी होने वाली थी उसको भी आपने कैच कर लिया, सो यू आर कैचिंग ऑल द फिशेस, सो यू आर कैचिंग ऑल बेबी फिश एज वेल, सो यू आर कैचिंग एडल्ट फिश, यू आर कैचिंग बोथ द फिशेस एडल्ट एंड बेबी फिश, ये दोनों ही आपने यहाँ पे कैच कर लिया। तो जब आपने दोनों ही यहाँ पे आपने फिशेस आपने यहाँ पे कैच कर लिया, अगर आपने ज्यादा यहाँ पे फिशेस कैच कर ली सब, मतलब जो वहां पे ब्रीड करे उनको भी आपने कैच कर लिया, तो इससे क्या होगा, आपका नेक्स्ट जनरेशन बन ही नहीं पाएगा, योर नेक्स्ट जनरेशन इज नॉट फॉर्म्ड, नो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फिशेस, क्योंकि जो जनरेशन बनाने वाली थी फिश उसको ही आपने वहां से हटा दिया। और इसकी वजह से क्या होता है, आपकी ओवरऑल फिशिंग आपकी कम हो जाती है। आज की डेट में अगर आप किसी कोस्ट लाइन पे जाके पूछते हो ना अगर किसी फिशरमैन को कि आज से 10 साल पहले कैसे फिशिंग होती थी और अब कैसे हो रही है, तो आपको बताएंगे कि 10 साल पहले तो काफी अच्छा हमें मिलता था कैच, लेकिन आज के टाइम पे हमें इतना कैच नहीं मिल पाता। तो उसका रीजन यहाँ पे ये है कि आप पूरे साल भर फिशिंग कर रहे हो, अगर आप साल भर फिशिंग करोगे तो आपकी फिश अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ही नहीं पाएगी, अगर वो अपनी पॉपुलेशन बना ही नहीं पा रही तो अगले जनरेशन की फिश आपकी बनेगी नहीं। तो हर साल आपका जो बाय कैच होगा, हर साल जो आपका कैच होगा फिश का, वो आपका कम होता जाएगा। सो दिस इज द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ माई ओवर एक्सप्लॉयटेशन, दैट बिकम्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ योर ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और इसके वजह से आपकी ओवरऑल फिश की पॉपुलेशन हो रही है कम, राइट? तो ये होता है मेरा यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन करना, हद से ज्यादा चीजों को यूज करना, और उससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपके रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। एक टाइम बाद पता है क्या होता है, इन लोगों को फिशिंग करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, ओशन में बहुत दूर तक जाना पड़ता है, तब जाके इनको कुछ मिलता है। सो दे आर ऑल्सो सफरिंग नाउ, दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड रियलाइजिंग, अब लोगों को पता चला कि यार हमारी जो टेक्निक जो हम ये कर रहे थे वो सही नहीं है, हमारी फिशिंग टेक्निक में भी थोड़े हमें चेंजेस करने चाहिए, सो दैट वी कैन गेट अ गुड अमाउंट ऑफ फिश थ्रू आउट द ईयर, राइट? तो क्या आप सबको ये वाला एग्जांपल समझ आ रहा है यहाँ पे, इज द एग्जांपल ऑफ यू? तो ये भी एक आपका रियल लाइफ एग्जांपल है जो अभी आपको देखने के लिए मिलता है, दैट्स एग्जांपल ऑफ माय ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो ये बात भी आप यहाँ पे रखिएगा याद, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं नाउ। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे हमारे यहाँ पे गंगा एक्शन प्लान के बारे में। सो गंगा रिवर, यू नो दैट इट्स वन ऑफ द होली रिवर ऑफ द कंट्री, बट काफी ज्यादा पॉल्यूटेड है आज की डेट में, गंगा इज वेरी मच पॉल्यूटेड। आप मुझे बताइए एक एक करके, व्हाट इज द रीजन फॉर पॉल्यूशन इन द गंगा रिवर? आई वांट टू सी कि आप कितना एक्सपांड करके सोच पाते हो कि क्या रीजन है गंगा के पॉल्यूट होने के, सो यू कैन टेल मी वन बाय वन, बताइए। सर लोग जो है जो भी कचरा होता है वो उसको गंगा में फेंक देते हैं। ठीक है, तो एक सॉरी ने बताया, लेट मी राइट इट डाउन। So dumping garbage, वही का आप बताइए सर। जैसे जो मतलब जैसे मंदिर का कूड़ा कचरा है सर, उसको भी उसमें डाल देते हैं और सर फिर लोग भी उसे गंदा करते हैं सर। ठीक है, bathing in river and bathing in river is also something that is affecting the quality of the river, ठीक है, that's one thing। हाँ जी अमोलिका बताइए, अमोलिका आप बोलिए। सर जो लोग है सर वो अपने पेट्स को जैसे काउ और बफेलो है सर, उनको भी नहलाते हैं रिवर में। ओके ठीक है, कैटल वॉशिंग, एक सेकंड। हाँ जी पलक बताइए क्या कर रहे हैं आप। सर इंडस्ट्रियल वेस्ट पीपल फेंके जाते हैं। बेटा आपको एक बार फिर बोलना पड़ेगा, आपकी आवाज नहीं सुनाई देती, वापस बोलिएगा। सर इंडस्ट्रियल वेस्ट, राइट, इंडस्ट्रियल वेस्ट सर, सीवरेज। हाँ जी वो भी लिखता हूँ, एक सेकंड। इंडस्ट्रियल वेस्ट आपका यहाँ पे डायरेक्टली डंप किया जाता है, बिल्कुल सही। देन यू विल ऑल्सो फाइंड आपका जो सीवेज होता है, सीवेज को भी जनरली ये लोग डायरेक्टली इसके अंदर ही डंप
करते हैं, सीवेज को भी ये लोग डायरेक्टली इसके अंदर डंप करते हैं। और कुछ आप लोग ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर? ऑलराइट, तो ये रीजन है आपके यहाँ पे, जो आपने ऑलमोस्ट सब लोगों ने काफी अच्छे से यहाँ पे बता दिया मुझे। यहाँ पे डंपिंग ऑफ गार्बेज, बिल्कुल जो भी सिटी का जो गार्बेज है वहां पे, आपका जो भी आपके ऋषिकेश या उस आसपास के सिटी का जो भी गार्बेज आपका होता है उसको यहाँ पे डंप किया जाता है, दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर द पोल्यूशन ऑफ द रिवर, राइट। हाँ, यहाँ पे काफी ज्यादा लोग इस पानी को यूज करते हैं, नॉट इवन फॉर बाथिंग, उनके यूटेंसिल्स धोने के लिए एंड फॉर अदर पर्पसेस, तो उससे भी अफेक्ट होता है, बिल्कुल सही। कैटल वॉशिंग से भी आपका इम्पैक्ट हो सकता है अगर आप कैटल्स या अपने एनिमल्स को वो कर रहे हो, बट बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं होता उससे, बट येस दैट इज समथिंग विच कैन ऑल्सो लीड टू अ सर्टन अमाउंट ऑफ पोल्यूशन इन द रिवर, राइट, बट नॉट दैट मच, बट येस इट कैन काउंट। इंडस्ट्रियल वेस्ट एक बड़ा कंसर्न है यहाँ पे, तो बेसिकली है क्या ना, गंगा के आसपास जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो लोग क्या करते हैं, वो अपना सारा वेस्ट डायरेक्टली गंगा में रिलीज करते हैं। अब याद रखना एक जनरल रूल, पता है क्या कहता है, एक जनरल लॉ ये कहता है कि एक इंडस्ट्री अपना वेस्ट डंप करने के पहले उसे ट्रीट करेगी। ये बात मेरे आप ध्यान से सब लोग सुनो और समझो, एक लॉ होता है, लॉ ये कहता है कि कोई भी इंडस्ट्री जो होगी ना वो अपना वेस्ट चाहे वो पानी में डंप करे कोई बात नहीं, लेकिन उसे पानी में डंप करने के लिए उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा वेस्ट का, ताकि सारे जो उसमें हार्मफुल सब्सटेंस है वो आपके ना पहुंचे पानी के अंदर। बट कई सारे इंडस्ट्रीज इन लॉज को फॉलो नहीं करती, तो बेसिकली यहाँ पे ये बात भी आती है कि आपके यहाँ पे जो लॉज है उनको एनफोर्स सही से नहीं किया जा रहा, सो बिकॉज ऑफ दैट यू आर फाइंडिंग कि आपके यहाँ पे पूरा पानी आपके यहाँ पे गंदा हो रहा है, सो दैट्स अ कंसर्न। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो वेस्ट होता है इसके अंदर काफी टॉक्सिक चीजें भी होती है, देर आर नंबर ऑफ केमिकल एंड अदर इंडस्ट्रीज जो आपके कंटेंट को पानी में रिलीज करी है, एंड दैट मेक्स वाटर क्वाइट टॉक्सिक। और अगर आपको मालूम हो तो काफी लोग जाके वहां पे पानी पीते हैं इसका, राइट, दे डायरेक्टली जस्ट टेक आउट द वाटर एंड दे ड्रिंक, ओके, बट इट डज हैव नंबर ऑफ टॉक्सिक कंपोनेंट ओवर देयर। देन एक और चीज आपने जो बताई थी यहाँ पे, दैट्स ऑफ सीवेज, यस, जो आपको जो हाउस होल्ड सीवेज होता है उसको भी ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है, यू हैव टू डू द ट्रीटमेंट ओवर हियर, आपको उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है बिफोर डंपिंग इन द रिवर, वो भी वहां पे इतना स्ट्रांगली रेगुलेट नहीं किया जाता वहां के लॉ एनफोर्समेंट के अंदर, लाइक यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग वेरी स्ट्रांगली, कुछ जगह पे ट्रीटमेंट करते हैं कुछ जगह पे नहीं करते एंड द रिलीज इनटू द रिवर। तो यस बिल्कुल सही, आप सबने यहाँ पे सही मुझे यहाँ पे रीजन दिए, दीज आर द रीजंस बिकॉज ऑफ दैट योर रिवर गंगा रिमेन्स पॉल्यूटेड, दैट इज द थिंग, और इसलिए इन लोगों ने बनाया था आपका गंगा एक्शन प्लान, दैट्स वॉट दे हैव मेड, सो लेट्स ट्राई टू सी ओवर हियर गंगा एक्शन प्लान सेविंग गंगा। द मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट केम अबाउट इन 1985 बिकॉज द क्वालिटी ऑफ वाटर इन गंगा वॉज वेरी पुअर, और बहुत डिटोरिएट हो गया था, मतलब गंगा का जो स्टेटस था वहां पे वो बहुत ज्यादा डिटोरिएट हो गया था, एंड दैट इज वाई दे कव विद दिस प्रोजेक्ट कॉल्ड एज माई लाइक गंगा एक्शन प्लान, राइट। सो ये कई सारे प्रोटेस्ट किए गए थे लोगों ने, एनजीओज ने प्रोटेस्ट किए थे ताकि उसे बताया जा सके। और मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि गंगा में आपको काफी अच्छा वाइल्ड लाइफ भी मिलता है, गंगा रिवर में आपको वाइल्ड लाइफ भी काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। So, I'll tell you one thing. ये बात आप शायद जानते नहीं होंगे, I'll tell you one thing over here. इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा होता है? ठीक है, राइट, बंगाल टाइगर इज योर नेशनल एनिमल, राइट। नेशनल बर्ड क्या होता है? पीकॉक। नेशनल, अब मुझे बताओ इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा होता है? सर गंगा डॉल्फिन। राइट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इट्स अ गैंजीज डॉल्फिन, गैंजीज डॉल्फिन। ये बताए, ये क्वेश्चन एक बार नीट में आया था, नीट में उन लोगों ने पूछ लिया था क्वेश्चन एक बार, राइट। सो गैंजीज डॉल्फिन इज बेसिकली गोइंग टू बी, याद रखना, दैट इज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल, this is our national aquatic animal। अब ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि आपके जो national aquatic animal आपके पास है यहाँ पे, right, ये आपको सिर्फ मिलता है गंगा के अंदर, so that is something you will only find in the गंगा, so गंगा river में आपको ये देखने के लिए आपको मिलेगा, देखने के लिए अगर मिलेगा तो, right। अब इसकी population भी काफी कम हो गई है, इसकी population भी वहां पे काफी कम हो गई because of the pollution and everything, तो वाइल्ड लाइफ भी आपको काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है वहां पे, जो और आपको कहीं देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा,
सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट दैट रिवर एंड टू प्रोटेक्ट दैट इकोसिस्टम, ताकि आप वहां का वाइल्ड लाइफ, वहां के प्लांट्स, वहां का फ्लोरा एंड फौना, आप सब कुछ वहां पे बचा पाओ. मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ देता हूँ. यू ऑल्सो गेट टू सी एक वहां पे आपको क्रोकोडाइल जैसा एनिमल मिलता है जिसको हम कहते हैं घड़ियाल. कभी इसकी फोटो आप गूगल पे देखना बाद में. ये हाँ जी मगरमच्छ जैसे होता है, बट इसकी जो बीक होती है, इसका जो स्नाउट होता है काफी लॉन्ग होता है, काफी लॉन्ग स्नाउट होता है. और ये भी आपका एक एंडेंजर्ड पॉपुलेशन है, मतलब इसका पॉपुलेशन भी आपको यहाँ पे कम हो रहा है. सो घड़ियाल इज ऑल्सो समथिंग विच इज सीन इन गंगा. सो अगेन इसको भी आपको प्रोटेक्ट करना है. सो दैट इज वाई रिवर को बचाना मतलब पूरे इकोसिस्टम में जितने भी एनिमल्स हैं वो भी आपके बचने लगेंगे, इवन यू हैव टू सेव देम. और मैं यहाँ पे टर्टल्स की तो बात ही नहीं कर रहा, टर्टल्स भी आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको देखने के लिए मिल जाते हैं. सो इट्स अ वेरी गुड इकोसिस्टम एक्चुअली, दैट्स व्हाट आई एम नाउ. कोलीफॉर्म इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन हुज प्रेजेंस इन द वॉटर इंडिकेट्स कंटेमिनेशन बाय डिजीज कॉजिंग माइक्रोबिज्म. अगर किसी के पेट के अंदर आपको कोलीफॉर्म एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया अगर आपके मिलते हैं, देन इसका मतलब ये है कि आप ऐसा पानी आप पी रहे हो जिसके अंदर आपके डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. और इसका नंबर काफी ज्यादा देखने के लिए मिला है नियर बाय द ऋषिकेश, नियर बाय द सिटीज, नियर बाय द गंगा. तो फॉर श्योर गंगा का लोग जो भी पानी कंज्यूम कर रहे हैं इट इज वेरी मच पॉल्यूटेड, उसके अंदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उसी टाइप के बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन के अंदर भी देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाए. सो इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, इट इज ऑल्वेज गोइंग टू बी अ मैटर ऑफ कंसर्न, राइट. सो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की कॉलोनी काफी जल्दी जल्दी आपकी ग्रो करती है पेट के अंदर. नाउ पॉल्यूशन ऑफ गंगा, यू कैन सी विद योर पिक्चर इट इज हाईली पोल्यूटेड, लाइक यू कैन नॉट इवन इमेजिन. ये तो एक फ्रेम है पिक्चर का, अगर आप उसे डिटेल में कभी आप देखते हो देन इट्स हाईली पोल्यूटेड. यहाँ पे सिर्फ आपको गार्बेज दिख रहा है, जो लोकेशन होते हैं जहाँ पे वो लोग सीवेज डंप करते हो तो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड होता है. सो यू कैन सी ओवर वेरी क्लियरली द कंसर्न विद द गंगा, राइट. द गंगा रन्स इन अ कोर्स ऑफ 2500 किलोमीटर फ्रॉम गंगोत्री इन द हिमालयस टू द गंगा सागर इन द बे ऑफ बंगाल. ठीक है, गंगोत्री से ये आपकी चालू होती है और अल्टीमेटली आपका बे ऑफ बंगाल में जाके ये मिल जाती है. सो दैट इज अ पाथवे फॉर द गंगा. इट इज बीन टर्न इनटू अ ड्रेन बाय मोर देन 100 टाउन्स एंड सिटीज इन उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल दैट पोर्स देयर गार्बेज एंड एक्सक्रीटा इनटू इट. जो आप लोगों ने मुझे बताया आपका पूरा सीवेज, गार्बेज और सारा के सारा वेस्ट आपका जाता है रिवर के अंदर एंड फ्रॉम द थ्री स्टेट्स. इट्स नॉट इवन लाइक सिर्फ उत्तर प्रदेश इन्वॉल्व है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सब का जो आपका वेस्ट होता है, गार्बेज होता है, इट इज डंप इन टू द रिवर. अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आप सब लोग हिमाचल से हो एंड आप के काफी लोग के आसपास रिवर्स होंगी, राइट. अगर आप कांगड़ा से हो तो आपके आसपास बीज नाम की एक रिवर होती है, एक बीज नाम की रिवर. ब्यास. ब्यास. अच्छा ब्यास है क्या वो, तो बीज कहाँ पे आती है फिर? सर बीज नाम की तो कोई नदी नहीं है. अरे है, यू जस्ट लुक आउट ओवर देयर, यू हैव अ रिवर नोन एज अ बीज, सो जस्ट हैव अ लुक. आई थिंक उसको ब्यास ब्यास I'll show you that now. I'll show you in the next class. We have a river named as a bees. So you will have number of rivers. So अगर आप rivers को notice कर गए यहाँ पे, आपको भी notice करना rivers का पानी काफी clear होता है. अगर आप ऊपर से भी देख रहे हो ना पानी को एक height से, तब भी आपको नीचे का surface आपको दिख जाता है काफी clearly. If you just observe that, and it is a flowing river, and it's a most of the time like river इतना clean होता है कि आप directly पानी पी सकते हो. And I think आपको तो ये बात मालूम होगी, you live in Himachal. कि आप जनरली आपके घरों में एक्वागार्ड नहीं होता, आपके डायरेक्टली नल से पानी आता है एंड यू कंज्यूम दैट वाटर, राइट. यस सर. मुझे ये आप मुझे ये बताइए इतना क्लीन पानी हिमाचल में आपको क्यों मिलता है? सर क्योंकि यहां पे पोल्यूशन जो है कम है. क्यों पोल्यूशन कम है सौरभ? सर क्योंकि एक तो जो रिवर्स वगैरह है वो जिस एरिया से आती है वहाँ पे पॉपुलेशन लोगों की कम है. ठीक है, ओके, वेरी गुड. ठीक है, और कुछ एनीथिंग एल्स? और लोग भी कुछ सोच के यहाँ पे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज भी कम है, राइट. फैक्ट्रीज कम है, हाँ जी, दैट इज द राइट आंसर. दैट्स अ वेरी ऑल लाइक आंसर आर करेक्ट बट दैट इज अ वेरी एप्रोप्रिएट आंसर कि आपके वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं है. हिमाचल डज नॉट हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रीज और क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं है बिकॉज ऑफ दैट आपका पोल्यूशन वहां पे आपका काफी कम हो जाता है, राइट.
और कोई मुझे बताएगा इंडस्ट्रीज वहां पे क्यों नहीं है? कोई सोच के बता सकता मुझे कि व्हाई यू डोंट हैव इंडस्ट्रीज इन द हिमाचल? थिंक ना, यू कैन थिंक। टेंथ में तुम लोग सोच सकते हो यहां पे पहाड़ है, क्योंकि वहां पे पहाड़ है, उस टेरेन पे पहुंचना, उस टेरेन पे सेटअप करना इंडस्ट्री इज वेरी डिफिकल्ट। सो दैट इज व्हाई यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज ओवर देयर, राइट? बस आपको टी प्लांटेशन मिल जाता है, वो भी कांगड़ा वाले बेल्ट में आपको टी प्लांटेशन आपको अच्छे से मिल जाता है, बट यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक केमिकल और समथिंग लाइक जो आपकी नालागढ़ में है। कहां पे बेटा? बद्दी नालागढ़। बद्दी में मिल जाएगा आपको, बद्दी में मिल सकता है। यू कैन ऑल्सो हैव इन द ऊना वाले बेल्ट में भी आपको मिल सकती है, बिकॉज ये आपके लोअर हिमाचल में आता है, या फिर प्लेन्स में आते हैं। बट वेंस यू गो बियॉन्ड दैट, तो आपको फिर इंडस्ट्रीज आपको नहीं मिलती, ठीक है? हाँ, बद्दी में यू विल गेट दैट, यू विल गेट इन ऊना, बट नॉट बियॉन्ड दैट। सो दैट इज द रीजन, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स। कई बार आपका बहुत ज्यादा अगर आपका इंडस्ट्रीज वहां पे सेटअप ना हो, देन इट एक्चुअली हेल्प्स यू इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, और इसलिए यू गेट टू सी सच अ क्लीन वाटर एंड एयर ओवर देयर। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स ट्राई टू सी दिस थिंग। तो यहाँ पे कुछ मेजर सिटीज हैं जिनको यहाँ पे उन्होंने टैग किया हुआ है, पटना, वाराणसी, इलाहाबाद, you can see all those cities over here, Kanpur, right? और इन सब का dump आपका जाता है गंगा के अंदर, and that is a major concern, that is going to be a major concern always. Uttar Pradesh, you can see the Bihar, and then you can also see the West Bengal. ठीक है, तो याद रखना, ये states याद रखना, जहां से dump किया जाता है आपका सारा garbage या waste आपके river के अंदर, तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। Now, largely untreated sewage, ये भी मैंने आपको बताया था, हर एक इंडस्ट्री का एक उसे एक लॉ फॉलो करना है, इट इज अ रूल ऑफ ए इंडस्ट्री कि वो सीवेज को ट्रीट करेगा बिफोर डंपिंग इनटू द रिवर, बट ऐसा नहीं होता। सो लार्जली अनट्रीटेड सीवेज इज डंप इनटू द गैंजेस एवरी डे, हर दिन बिना ट्रीटमेंट के आपका यहाँ पे सीवेज डाला जाता है, राइट? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो इंडस्ट्री से आ रहा है आपका जो हाउस होल्ड सीवेज, वो भी आपका यहाँ पे आ रहा है, राइट? ये सारा आपका डंप किया जा रहा है बिना कोई ट्रीटमेंट के, सो दैट इज अ कंसर्न। इसकी वजह से आपका पॉल्यूशन यहाँ पे हो रहा है, सो दैट्स वन थिंग यू कैन सी, राइट? उसके अलावा इन एडिशन टू, थिंक ऑफ पॉल्यूशन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बाथिंग, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, इमर्शन ऑफ एशेज एंड अनबर्न कॉर्प्स। शायद आपने सुना होगा कि गंगा के आसपास काफी बर्निंग की जाती है, व्हेन एनी समवन डाइज देन दे आर बीन लाइक बर्नड एंड गवर्नमेंट ने व्हाट दे हैव डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया था कि दे विल यूज टर्टल पॉपुलेशन, उन्होंने टर्टल के पॉपुलेशन को वहां पे डालना चालू किया था, दे हैव स्टार्टेड एडिंग टर्टल पॉपुलेशन, टर्टल पॉपुलेशन इन द रिवर, इनका पॉपुलेशन इन्होंने बढ़ाना चालू किया था। क्यों बढ़ाना चालू किया था? क्योंकि इनका मानना था टर्टल पता है कैसे होते हैं, टर्टल्स आर लाइक द वल्चर्स ऑफ द रिवर, जैसे वल्चर लैंड पे होता है ना, वैसे टर्टल पानी में होता है, साफ रखता है पानी को देखा जाए तो। वल्चर का अगर आप कभी देखो तो वल्चर स्कैवेंजर होता है, आपको मालूम होगा कि अगर कोई डेड बॉडी पड़ी हो किसी एनिमल की तो फटाफट आएंगे, खा लेंगे और एक दो दिनों के अंदर उसे पूरा लाइक खत्म कर देते वो लोग, राइट? वैसा ही आपका टर्टल होता है, जो टर्टल्स होते हैं जो आपको मिलते हैं देखने के लिए, एक टर्टल होता है गैंजिस सॉफ्ट शेल टर्टल, मैं आपको इफ आई गेट अपोजिट आई विल शो द पिक्चर ऑफ दैट। सो ये जो टर्टल आपके यहाँ पे होते हैं, दे बेसिकली व्हाट दे डू ना, दे ईट द कार्कस, जो डेड बॉडीज होती है, जो भी मटेरियल होता है वैसा कुछ, उसको लोग कंज्यूम करते हैं। सो लोगों ने बीच में क्या किया था, टर्टल का पॉपुलेशन इंक्रीज किया था रिवर के अंदर, ताकि ऐसे वेस्ट को कम किया जा सके, बट वेस्ट इतना ज्यादा है कि टर्टल उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, दैट्स द थिंग। सो ये चीज भी याद रखना कि एक एक्टिविटी की थी गवर्नमेंट ने टू इंक्रीज द टर्टल पॉपुलेशन, सो दैट दे कैन क्लियर आउट द अनबर्न कॉर्पसेस, उनको हम अनबर्न कॉर्पस निकाल सके। सो दीज आर द एक्टिविटीज यू कैन सी ओवर हियर, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, यू कैन सी एवरीथिंग इज हैपनिंग ओवर हियर, व्हिच इज नॉट गुड बाय एनी मींस। एंड देन इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट केमिकल इफ्लुएंट्स, इंडस्ट्रीज आपके यहाँ पे केमिकल इन्फ्लुएंस को गंगा में रिलीज करती है, राइट? एंड दे आर टॉक्सिक, दे आर ऑल टॉक्सिक वेस्ट, सो इसके वजह से आपके फिशेस की डेथ होती है और कई सारे दूसरे एनिमल्स की भी वहां पे होती है डेथ। तो ये बात रखना कि इंडस्ट्रीज अपना इन्फ्लुएंस जब डालती है वो तो टॉक्सिक ही होता है, सो इट विल हैव अ इंपैक्ट ऑन द फिशेस इन द एनवायरमेंट। यू कैन वेरी क्लियरली सी, आपको ऐसे डेड फिशेज आपको काफी बार देखने के लिए वहां पे मिल जाती है। So now you have understood कि गंगा के क्या क्या इश्यूज यहाँ पे फेस किए जा रहे हैं। So I please याद रखना
सीवेज आपका आ रहा है, अनट्रीटेड सीवेज आपका आ रहा है पानी के अंदर, इंडस्ट्रीज अपना इफ्लुएंट रिलीज कर रही है, राइट, विच इज ऑलवेज गोइंग टू बी टॉक्सिक. देन यू हैव ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे आपका वॉशिंग क्लोज, बाथिंग, अनबर्न कॉर्पसेस, ये आपका डैमेज कर रहे पानी को. एंड देन यू हैव अ डंपिंग ऑफ गार्बेज, गार्बेज डंप करना आपकी सिटीज है, कुछ स्टेट से जो डंप करे गार्बेज को. बिकॉज ऑफ ऑल दिस यू आर फाइंडिंग योर रिवर गंगा इज गेटिंग अफेक्टेड इन अ वेरी लाइक सिग्निफिकेंट मैनर. ठीक है, सो ये चीजें आपको यहाँ पे रखनी है याद, राइट. नाउ लेट्स, बट वी नीड नॉट फील पावरलेस और ओवरवेल्म्ड बाय द स्केल ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स वी कैन डू टू मेक द डिफरेंस. अब मैं आपसे जानना चाहूंगा बिकॉज यू आर अल्टीमेटली यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, राइट. इररिस्पेक्टिव कि आप कोई भी अपना फील्ड लें, आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम योर एंड क्या किया जा सकता है, वॉट आर द स्टेप्स विच कैन बी टेकन टू रिड्यूस द पॉल्यूशन. एक एक करके आप बताइए मुझे, सोच के. Think like an environmental manager and try to tell me what are the steps which can be taken. Sir, सबसे पहले तो नदी में जो कचरा होता है वो pollution करते हैं, garbage फेंकते हैं, तो उसको कम करना चाहिए. ठीक है, so dumping garbage should be prohibited. So let's say dumping garbage को आप करोगे यहाँ पे prohibit. Industrial waste को जो है वो पहले उसको रिवर, ये भी एक अच्छा पॉइंट है. सो यू डू डोंट हैव नो इंडस्ट्रीज ये नियर द रिवर. कई बार ये आपकी बात बहुत सही बोली आपने यहाँ पे पलक, की कई बार छोटी छोटी इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, रिवर के पास ही बनाते हैं वो लोग, ताकि अपना वेस्ट फटाफट निकाल सके और उन्हें कोई बोल भी नहीं पाएगा. सो नो इंडस्ट्री शुड बी नियर द रिवर, सो दैट्स वन थिंग. देन सौरभ ने एक चीज वापस यहाँ पे मेंशन की, दैट यू नीड लाइक ट्रीट द वेस्ट बिफोर डंपिंग. यस, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट बिफोर रिलीजिंग इन द रिवर. हाँ जी रजिंद्र, आप कुछ बता रहे थे, बताइए. सर नदियों में नहाना प्रोहिबिट, बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोज, ठीक है आप प्रोहिबिट करो, ये तो लोग मानेंगे नहीं जितना मैं जानता हूँ. लोगों ने मानना नहीं है. प्रोहिबिट बाथिंग एंड योर वॉशिंग, ठीक है. एनीथिंग एल्स, और कुछ इसके अलावा? सोचिए, थोड़ा सोचिए और क्या हो सकता है, थिंक अबाउट इट. सौरभ और कुछ? दैट्स इट, ऑलराइट, ठीक है. सो डंपिंग गार्बेज आपने प्रोहिबिट कर दिया, नो इंडस्ट्रीज नियर द रिवर, ठीक है. ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट बिफोर रिलीजिंग द कंटेंट, राइट. प्रोहिबिटिंग द बाथिंग एंड वॉशिंग. सो जब मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं सीवेज वेस्ट और इवन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट की, राइट. इन दोनों का ट्रीटमेंट यहाँ पे जरूरी है. तो आपने जितने भी पॉइंट्स यहाँ बोले हैं, ये आपके पॉइंट्स बिल्कुल सही है. और अगर आप इन पॉइंट्स को भी अगर आप लाइक अप्लाई कर पा रहे हो, आपको काफी कम टाइम के अंदर काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है. सो डंपिंग गार्बेज आप प्रोहिबिट कर दो, आप इंडस्ट्रीज रिवर के आसपास जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है उनको आप बिल्कुल लाइक प्रोहिबिट कर दो कि इंडस्ट्री रिवर के पास होनी नहीं चाहिए. हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो करनी पड़ेगी, कि आप ट्रीटमेंट करो आपके वेस्ट का, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट बिफोर रिलीजिंग इनटू द वॉटर, राइट. एंड देन यू हैव अ प्रोहिबिट द वॉशिंग एंड बाथिंग. ये ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि अगर देखा जाए, अगर आप पहली तीन चीजें अगर आप संभाल लेते हो ना, तो फोर्थ चीज आपका इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगी. दैट वोंट बी एबल टू क्रिएट अ वेरी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द इकोसिस्टम. तो ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखते हैं, दैट इज ऑल्सो वन थिंग आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रिमेम्बर, ठीक है. तो ये बिल्कुल आपके यहाँ पे पॉइंट से ये आपकी हेल्प कर सकते हैं टू कंट्रोल द स्पीशीज, राइट, टू मेक श्योर दैट योर गंगा सर्वाइव्स एंड गंगा आपकी रिवाइव कर जाए. ये चीज अगर आप करोगे तो वो बिल्कुल रिवाइव कर जाएगी. इट विल टेक सम टाइम बट इट विल श्योरली रिवाइव. और अगर आपकी रिवर रिवाइव करेगी तो आपका फ्लोरा एंड फोना भी आपका इंक्रीज होगा.
ठीक है. सो दैट इज वॉट योर गंगा एक्शन प्लान इज. तो याद रखना जो भी हमने यहाँ पे किया था, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. अब कोई मुझे अनम्यूट करके नहीं, हैंड रेस करके आंसर करेगा कि गंगा एक्शन प्लान कौन से साल में स्टार्ट किया गया था, इन विच ईयर द गंगा एक्शन प्लान वॉज स्टार्टेड. सो पलक, रजिंद्र हैव रेज देयर हैंड. रजिंद्र बताइए. बिल्कुल सही, 1985 में आपका गंगा एक्शन प्लान आपका इनिशिएट किया गया था. बिल्कुल सही. सो दैट इज समथिंग यू विल बी फाइंडिंग ओवर हियर. मुझे फिर कोई तो भी हैंड रेस करके बताएगा ओवर एक्सप्लॉयटेशन का एग्जांपल. समवन प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी द एग्जांपल ऑफ योर ओवर एक्सप्लॉयटेशन. सौरभ ने हैंड रेस किया है. सौरभ के अलावा आई एम वेटिंग समवन एल्स हु कैन रेज देयर हैंड. हमने बेटा किया था ओवर एक्सप्लॉयटेशन का एग्जांपल, हमने समझा था बेटा. आप लोग हैंड रेस करिए, बताइए. अप्सरा हैज रेज्ड देयर हैंड. भूमिका, अप्सरा बताइए, टेल मी द एग्जांपल ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन. बोलिए बेटा, बोलिए. सर फिशिंग. एक्सप्लेन करो क्या होता है वहां पे फिशिंग में, क्या क्या वहां पे कंसर्न था, बताइए मुझे. सर जो फिशिंग, जो फिशिंग करते हैं ना वो उनके जो जब मतलब वो ज्यादा फिशिंग कर लेते हैं हमारी फिशिंग की, तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जुलाई से अक्टूबर के लिए मना किया था फिशिंग करने के लिए. अगर वो फिर भी कर लेते हैं तो वो एडल्ट एंड बेबी फिश को पकड़ लेते हैं, तो उससे जो है वो अगली जनरेशन नहीं होती और हमारी पॉपुलेशन जो है वो फिशिंग की कम हो जाती है. वेरी गुड अफसर, वेरी गुड. बिल्कुल सही आंसर है आपके यहाँ पे. बिल्कुल आपकी फिशिंग की पॉपुलेशन यहाँ पे कम हो जाती है और आपका अगला जनरेशन बन नहीं पाता, एंड दैट बिकम्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ माय ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, और ये चीज तो मैंने आपको फिशेज का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. यू ऑल्सो फाइंड दैट हैपनिंग विद द इवन विद योर प्लांट्स, ट्रीज के साथ ही ऐसा होते हुए आपको मिल जाता है कि ट्रीज को आप इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हो, आप इतना निकाल रहे हो, इतना लाइक यूज कर रहे हो जितनी जरूरत उससे ज्यादा, दैट देयर पॉपुलेशन जस्ट कीप ऑन डिक्लाइनिंग. Right, so that actually happens over there. ये चीज आपको यहाँ पे देखने के मिलती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's try to see something else. So ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद. अच्छा, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ. अभी हमने एग्जाम्पल देखा ओवर एक्सप्लॉयटेशन का. ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ सस्टेनेबल रिसोर्सेज को यूज करने का. सो अभी हमने देखा ओवर एक्सप्लॉयटेशन का एग्जाम्पल ना. आई गिव वन मोर एग्जाम्पल, ये भी आपको याद रहेगा. इट इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल एक्चुअली. इट्स अ रियल केस एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ माय Sustainable use of resources. अब पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब यहां पे क्या होता है. सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्स का मतलब यहां पे ये कि आप रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें ताकि फ्यूचर में भी वो आपके काम आए या फ्यूचर में भी वो आपके लिए रहे वहां पे अवेलेबल. ठीक है, अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा इसमें क्या होता है. यूएसए के अंदर पता है लोग क्या करते हैं, आपने शायद सुना होगा या देखा होगा टीवी पे. यूएस के अंदर लोग करते हैं क्रैब का कैचिंग, क्रैब कैचिंग इसको हम ऐसे बोल सकते हैं. ये लोग जाके ओशन में जाके क्रैब को कैच करते हैं, क्रैब की हर साल ये लोग जाके क्रैब की कैचिंग करते हैं. क्रैब मतलब आपको मालूम है ना, केकड़ा जो होता है उसको. yes, हाँ जी, उसको जाके ओशन में जाके लोग कैच करते हैं हर साल का इनका होता है कि हर साल एक सीजन होता है जहां पे जाके लोग क्रैब को कैच करेंगे. और बहुत सारे क्रैब कैच करते हैं कि एक दो ही कैच करते हैं ऐसे, लाइक भर के बोट्स क्रैब्स को पकड़ के लेके आती है. लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है इनका तरीका. इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये है कि जब समझो इन्होंने क्रैब को पकड़ा, समझे इनके जाले के अंदर एक क्रैब फंस गया, राइट. एक नहीं फंसता, ऐसे 100-200 एक साथ फंसते हैं. तो ये लोग क्या करते हैं, क्रैब को निकालते हैं केज में से, इनका जो बड़ा सा केज होता है उसमें से वो लोग क्रैब को निकालते हैं. और क्रैब को निकालने के बाद वो करते हैं उसे मेजर. क्रैब को निकालने के बाद दे विल डू द मेजर द क्रैब, मतलब उसका हाइट या उसकी जो लेंथ होती है उसको लोग मेजर करते हैं. अब मेजर करने के बाद अगर उनको लगता है कि क्रैब थोड़ा छोटा है, अगर मेजर करने के बाद उनको लगता है कि क्रैब इज स्लाइटली, लेट्स अज्यूम कि ये थोड़ा आपका स्मॉल है, तो वो क्या करेंगे उस क्रैब को, उसे वो वापस से पानी में फेंक देंगे. दे विल रिलीज देम बैक इनटू द वाटर. सो दे विल रिलीज देम, दे विल रिलीज देम इन वाटर. तो इससे क्या होता है कि अगर कम समझो बेबी क्रैब फंस गया तो बेबी क्रैब वापस से आपका पानी में चला जाएगा. दैट्स वन थिंग.
और अगर इनको दिखता है कि यार कोई क्रैब है जो फीमेल है, अगर इनके हाथ में कोई फीमेल क्रैब आती है तो फीमेल क्रैब को भी वो लोग पानी के अंदर रिलीज कर देते हैं। आप समझ रहे हो वो लोग क्या कर रहे हैं? अगर उनके सामने बेबी क्रैब आता है उसको लोग पानी में रिलीज कर देते हैं, अगर उनको फीमेल क्रैब मिल जाती है तो उसे वो लोग पानी में रिलीज कर देते हैं। तो इससे क्या होगा? अब आप लोग मिल जाएगी, अगर ऐसा ये लोग करेंगे तो इससे क्या होगा? व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस? अगर ऐसा करते हैं आप, अगर आप ऐसी एक्टिविटी करते हो तो इससे फायदा क्या होगा, सोच के सर, बताओ। सब क्रैब्स की न्यू पॉपुलेशन, जनरेशन को ग्रो होने का मौका सर जो मिलता है। फीमेल क्रैब होगी सर, वो और ज्यादा क्रैब को सर प्रोड्यूस कर सकेंगी तो। आप तीनों का आंसर सही है, यस। आप यहाँ पे जनरेशन बढ़ती रहेगी आपकी हमेशा। आपने फीमेल क्रैब को रिलीज कर दिया, स्मॉल क्रैब्स को रिलीज कर दिया, आपने यहाँ पे जो छोटे थे उन्हें रिलीज कर दिया, तो ऑब्वियसली आपके पास हमेशा एक पॉपुलेशन है पानी के अंदर जो नई पॉपुलेशन आपका बना पाएगा। तो हर साल आप जाके कैच कर पाओगे अपने क्रैब्स को और आपके क्रैब का पॉपुलेशन भी वहां पे कम नहीं होगा। सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन द यूएस। तो यूएस के अंदर इस तरीके से क्रैब कैचिंग की जाती है। तो ये है मेरा एग्जाम्पल यहाँ पे सस्टेनेबल तरीके से रिसोर्सेज को यूज करने का। आई होप आप सब लोग यहाँ पे समझ पा रहे हो। इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस कंपोनेंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है कि किस तरह। हाँ मैं रिपीट करता हूँ इसके अंदर देखो। तो आपने क्या किया, आप कैच क्रैब कैच करने के लिए गया पानी के अंदर, आपने अपना केज डाला, केज को बाहर निकाला, आपके पास है 100 जितने क्रैब उसके अंदर। तो अब आप क्या करोगे, आप एक एक क्रैब को निकालोगे, उसे आप मेजर करोगे, ठीक है? मेजर करोगे और आप देखोगे यार ये मेल या फीमेल है। आप ये दोनों चीज देखते हो, मेल है फीमेल है, और उसे मेजर करते हो। अगर आप मेजर कर रहे हो और अगर वो क्रैब काफी छोटा है, समझो मेल है लेकिन काफी छोटा है, मेल या फीमेल है, अगर वो काफी छोटा है तो आप उसे पानी के अंदर आप डाल दोगे, यू विल रिलीज देम बैक इनटू द वाटर, ठीक है? अगर आप क्रैब को देखते हो कि उसका जो सेक्स है वो फीमेल है, अगर आप देखो कि क्रैब फीमेल है, तब भी आप उसे पानी के अंदर आप रिलीज कर देते हो। तो ये करने का रीजन यहाँ पे ये होता है ताकि आप हमेशा क्रैब की पॉपुलेशन आप मेंटेन कर पाओ। जब आप स्मॉल क्रैब को वापस रिलीज कर रहे हो तो बड़े होके नई पॉपुलेशन बनाएंगे, जब आप फीमेल को रिलीज कर रहे हो तो वो हमेशा आपके वहां पे अवेलेबल रहेगी नई पॉपुलेशन बनाने के लिए। सो दैट इज हाउ यू एंश्योर, आप ये चीज का आप ध्यान रखते हो कि यार मेरा हमेशा नया पॉपुलेशन बनता रहे, मेरे क्रैब्स का हमेशा नया जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन मेरा बनता रहे, ये चीज का वो लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं। दैट इज समथिंग यूएस गवर्नमेंट और आई वुड से यूएस वाइल्ड लाइफ एंड फिशरी डिपार्टमेंट इस चीज का ध्यान रखता है। अब समझ आया आपको ये? नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? यस सर। तो ये बात आप ना, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ माय सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस। तो आप रिसोर्स को ऐसे यूज करो जो फ्यूचर में भी रहे और आपको भी फायदा हो। तो ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ प्लान करना चाहिए ताकि आपके रिसोर्स हमेशा आपके लाइक यूज किए जा सके, ठीक है? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो ओवर हियर। तो इतनी चीज हमने यहाँ पे देखी है, तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है। तो आज की क्लास में बताया हमने क्या क्या देखा है। हाँ जी बेटा बताइए, कुछ कहना था आपको, बताइए, कुछ कह रहे थे आप, बोलिए। अच्छा ठीक है। सो आज की क्लास में हमने यहाँ पे देखा, हमने एक तो देखा यहाँ पे एक स्टोरी वाली स्टोरी हमने देखी, उसके पहले हमने देखा यहाँ पे, याद रखना, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट गंगा और हाउ वी कैन मेक गंगा लाइक, हाउ यू कैन रिवाइव द गंगा। मैं यहाँ पे टॉपिक लिख जाऊँ जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ कैन वी रिवाइव द गंगा, हाउ कैन वी रिवाइव गंगा रिवर, मतलब आप कैसे उसको लाइक रिवाइव कर सकते हो, कैसे आप उसको पोल्यूशन फ्री आप कर सकते हो, ठीक है? सो इसका आंसर आपने मुझे दिया, जो आपका आंसर यहाँ पे काफी सही था, राइट? जो भी आपने यहाँ पे पॉइंट्स बताए वो आपके बिल्कुल यहाँ पे सही था। देन वी हैव सीन अबाउट द पोल्यूशन ऑफ गंगा क्यों होता है, वो हमने यहाँ पे देख लिया था, दैट इज समथिंग वी हैव ऑल अंडरस्टूड, राइट? ये सारे पॉइंट्स क्या क्या रीजन होते हैं उसके पॉल्यूशन होने के, वी हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। हाँ, ये वाला बात याद रखना, अगर आपसे कोई पूछता है कि गंगा जहां से पास हो रही होती है वहां पे इंडिया के कौन से तीन स्टेट लगते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे मुझे? उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ये तीनों आपके स्टेट है एंड दे आर वेरी हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स, सो यस, काफी लाइकली चांस है कि इसके वजह से आपका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आपके रिवर के ऊपर आपको देखने के लिए मिल सकता है। सो यस, ये चीज आप यहाँ पे समझ सकते हो। यस, so that is something we have seen, so we have talked everything about the Ganga action plan, और इसके अलावा along with this
हमने यहाँ पे सीखा था, इसके अलावा वी हैव सीन समथिंग अबाउट द ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है ये हमने देखा, तो इसका मैंने आपको एग्जाम दिया था फिशेज वाला, जो एक रियल केस स्टडी है, फिर इसको आप हमेशा याद रखते हैं, रियल थिंग. सो याद रखने से. हाँ जी बेटा बताइए क्या कह रहे थे आप, बोलिए. ऑलराइट ठीक है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. तो दीज आर द थिंग्स वी हैव डन इन टुडेज क्लास. सो प्लीज एक इन सबको एक बार देख लेना. इन सब चीजों में लाइक इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स टू बी अंडरस्टूड, बट हाँ आपके एक लाइक ओपन एंडेड अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए. लाइक यू नीड टू हैव वेरी लाइक आपको खुद से सोच के इसके अंदर चीजें बताना आना चाहिए. दैट इज अ काइंड ऑफ टॉपिक इट इज. ठीक है, तो या दैट इज समथिंग वी विल हैव टू डू जब हम आगे भी क्लास बढ़ाएंगे तब. राइट, मैंने आपको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिया था आपके लॉज का, तो वो भी याद रखना कि कैसे लॉज बनाए जाते हैं. राइट, और क्यों उनको बनाया जाता है. बेसिकली टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, एनिमल्स, एवरीवन. ठीक है, और कैसे कुछ जगह पे आपके लॉज फॉलो नहीं होते. सो वी हैव सीन ऑल दोस थिंग्स. राइट, तो इतनी चीजों को प्लीज एक बार देख लीजिएगा. राइट, अगली बार हम लोग जब मिलेंगे ना इस क्लास के अंदर, तो हमने क्वेश्चंस कुछ यहाँ पे रन करने, विल बी रनिंग सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द थिंग्स वी हैव डन आज की क्लास में. राइट, तो इतना रिवाइज करके आना अच्छे से, ताकि आप क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ. ठीक है, क्या मेरे इंस्ट्रक्शन सबको यहाँ पे क्लियर है? इज द इंस्ट्रक्शन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया. ठीक है, सो यार दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस और क्वेरी फ्रॉम योर साइड. हाँ जी बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है. शुभि बेटा, शुभि ठक्कर बताइए क्या क्वेश्चन है आपका. नो नो सर, आई एम शुभि फ्रॉम गर्ल्स लीडरशिप प्रोग्राम. आई थिंक कोमल मस्ट हैव स्पोकन टू यू. या सो या आई विल जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड देन यू कैन गो अहेड विद योर थिंग. या इफ यू आर डन फ्रॉम योर एंड देन आई विल बिगिन.